वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन जो इन दोनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो 2024 में लोकसभा। चुनावी सीजन में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा छाया हुआ है। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। जैसे ही विशेष सत्र बुलाने की खबर आई वैसे ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि इसी विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का कानून संसद में ला सकती है। जैसे ही ये खबर चर्चा में आई विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए कि अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। हालांकि 2016 में ही पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। दोनों चुनावों के लिए संभवतः वोटिंग भी साथ या फिर आसपास होगी। पहले देश में 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ ही होते थे, लेकिन 1967 के बाद परिस्थिति बदल गई और अलग अलग चुनाव होने लगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि संविधान के लगभग 5 अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। बहरहाल इस मसले पर देश की राजनीति में उबाल आ गया। इस मसले पर कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत की मूल भावना पर प्रहार है, भारत की सोच और संविधान की आत्मा से खिलवाड़ है। ये मोदी सरकार द्वारा देश के लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ धकेलने का एक और प्रयास है। वहीं इस मसले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की समृद्धि और स्थिरता हेतु वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये अभिनंदनीय पहल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए और इस देश से वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। वहीं इस मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों ने नया शिगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन, बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला, आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन। वहीं इस पर बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं मोदी जी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि वन नेशन वन इनकम कर दें पहले। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है। ये मौजूदा संवैधानिक ढांचे में तो संभव नहीं है, शायद उनकी मंशा भारतीय संविधान बदलने की है क्योंकि वो शुरू से भारतीय संविधान के खिलाफ रहे हैं। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। कमेटी के सदस्य के रूप में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सालवे और संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार 2024 से पहले मोदी सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन लाने के पीछे के सियासी मायने क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।